राजस्थान में जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है। इसी पखवाड़े के तहत पुलिस की ओर से विभिन्न जगहों पर नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसी चेकिंग के दौरान आज जोधपुर के महामंदिर चौराहे पर एक महिला को पुलिस वालों ने रोक लिया और बिना हेलमेट के दो वाहन पर सवार होने के चलते उसका चालान काटा गया, जिसके बाद महिला ने सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद महिला ने कहा कि उसके परिजन की मौत हो गई है और वो वहां पर जा रही है, लेकिन पुलिस वाले उसे जाने नहीं दे रहे। साथ ही साथ महिला लगातार ये आरोप लगाती रही कि अन्य लोग भी बिना हेलमेट के सवारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आखिर क्यों नहीं रोका जा रहा और पुलिस केवल उसका ही चालान क्यों काट रही है। इन्हीं आरोपों के साथ महिला ने बीच सड़क काफी देर तक हंगामा किया। मेरी सांस की देर हो गई है, मैं हेलमेट नहीं लगा पाती, सर की प्रॉब्लम है। और है ना सर, ये बिना हेलमेट बहुत सारे निकल रहे, औरतें और आदमी भी निकल रहे। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की पैर पकड़ के कि मैं हेलमेट नहीं लगा पाती, मेरे से गलती हो गई, मैं आगे से लगा लूंगी, नहीं हुआ तो भी ये लोग बोले आप लाइसेंस दो, वो चीज दो, बताओ और रोको क्यों नहीं रोक रहे। मैंने मेरी मजबूरी बता दी, मैंने अपनी आपको बताओ रिक्वेस्ट सुननी चाहिए ना ऐसे टाइम में, बताओ ऐसे टाइम में अपनी रिक्वेस्ट सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए। आपके सामने अपना फोटो खींचा डालना साथ में, क्या देखो बिना हेलमेट कितने लोग जा रहे हैं बताए आप। मेरा नाम सुशीला है। चालान बनाने के बाद महिला तकरीबन एक घंटे तक बीच सड़क पर हंगामा करती रही। आखिरकार महामंदिर थाना अधिकारी लेखराज मौके पर पहुंचे और महिला से समझाइश कर उसे वहां से रवाना किया। इस हंगामे के दौरान वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र ढूडी की रिपोर्ट।